हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग जो है वो पिछले ब्लॉग का अगला पार्ट है, यानी कि ये दो ब्लॉग एक ही दिन में शूट हुए हैं, जो कि पिछले कल आपको ब्लॉग मिला था उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6:10 और मैं हूँ दत्तनगर में अपने रूम पे, क्वार्टर पे, घर पे, जो मर्जी बोलना है उस पे। तो हम जो है रामपुर से बहुत सारा सामान लेके आए। अभी इस वाले व्लॉग में आप देखेंगे कि हम उस सामान को जमाने के लिए क्या मुशक्कत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये आप नज़ारा देख सकते हो, बहुत बुरी तरह से खिलारा मचा के रखा है हम लोगों ने सामान सारा। मैंने मम्मी को वीडियो कॉल पे दिखा दिया घर को कि क्या क्या लिया हमने मम्मी पापा को, तो इसीलिए सारा सामान बाहर फ्लो के रखा है मैंने। तो अब जो है वो फटाफट से हम पहले किचन की एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना काम करने वाले हैं ये वाला जो किचन की शेल्फ है, उसके ऊपर ये जो है हमने कवर निकाले थे इनको लगाने जा रहे हैं हम लोग। इस पर स्टिक करेंगे हमने सब्जे के लिए स्पेशली, इनको इसमें फिक्स कर देंगे सो दैट कि इसको साफ करने में भी इजी हो और डस्ट वगैरह भी ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ कागज़ है, मतलब प्लास्टिक है, ये बहुत अच्छा है। तो अब इसको करते हैं पहले राहुल की हेल्प के साथ में। से हाय राहुल। हेलो। थक गया बेचारा। चिपका दिया, बहुत अच्छी तरह से चिपका दिया। अब निकलने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसको पीछे से भी पूरा सेलो टेप के साथ में अच्छी तरह से कवर कर लिया है और बीच में सेंटर सेंटर में भी लगाई है और यहाँ पे भी सारे में सेलो टेप लगी है। इधर से इस पर पूरा आगे से लेकर पीछे तक, तो ये पूरा कवर हो गया। इसमें कहीं से भी ये नहीं होगा कि इसमें मिट्टी जाएगी या मतलब उखड़ेगा ऊपर को, कुछ भी नहीं होगा, पूरा फिक्स कर दिया इसको अब परमानेंट। तो अब हम नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू करते हैं। घर का पहला पोछा, घर में पहला पोछा लग रहा है किचन में। हमने जो किचन और पानी से इतनी बदबू आ रही है ना, हाँ, बहुत बदबू, क्योंकि स्टोर पानी है सारा। तो फिर अभी पहले यहाँ पे सफाई करते हैं, किचन में पोछा लगाते हैं, फिर हम लोग जो है ये सारा सामान सेट करेंगे किचन में। बहुत बदबूदार पानी है। स्टोर पानी है ना, क्योंकि पैरासाइट टंकी खाली करनी पड़ेगी। और किचन देखो कितना बड़ा है, काफी बड़ा किचन है। बहुत अच्छी है कि पाइप के लिए जगह है, मैंने बहुत से देखे हैं ना जिसमें पाइप के लिए जगह नहीं होती। मेरे किचन में भी नहीं है ना, सोलन में। हाँ, पाइप की जगह नहीं, मेरे को आगे से निकालना, बाहर से निकालना पड़ता है। बहुत अच्छा किया है मतलब। हाँ, कि पाइप की जगह दी है, नहीं तो देते नहीं है। कैसी प्लेट है, जैसी हॉस्पिटल में होती है ना वो इंजेक्शन सुई लाने के लिए। तो मैं नर्स हूँ यार, पापा को मिली है ये ट्रे, इसके साथ दूसरी भी है एक सेक्टर। इनका क्या काम है? क्यों नहीं है इनका, बहुत काम है इनका। तुझे क्या लगता है, पता क्या, ये ना घर में वेस्ट थे, मतलब इनको यूज ही नहीं करते थे जो ये वाली ट्रे है ना। तो फिर मुझे लगा कि मैं ले चलती हूँ, इनको कम से कम यूज में तो आएगी एटलीस्ट ना। तो फिर मैंने ये वाली ले लिया, दोनों ले आई है, दोनों एक जैसी है, ये सेम है। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत सामान घर से हम लेके आए हैं, थोड़ा बहुत हमने दुकान से अभी खरीदा है। ये मैंने लाया है जिस दिन मैं फर्स्ट किचन अपना बनाऊंगी, यहाँ पे किचन खाना बनाऊंगी ना, तो मैं दिया जलाऊंगी उस टाइम पे ये वाले। इसके साथ बहुत यादगार है, क्योंकि ये मुझे ना मैक्स हॉस्पिटल से मिले हैं, जब मेरी मैक्स हॉस्पिटल में फर्स्ट दिवाली थी शायद, जब मैं वहाँ पे जॉब करती थी, तो ये उन्होंने दिवाली पे हमें दिए थे, मतलब और भी गिफ्ट दिए थे, तो उसमें ये वाले दिए थे। ये मेरे ख्याल से 3 साल का ध्रुविन है, 4-5-6 साल पुराने हैं ये, मैंने ऐसे रखे 6 साल से यूज ही नहीं किए ये वाले। तो मैंने सोचा जब इस किचन में मैं पहला खाना बनाऊंगी ना, तब मैं ये जरूर जरूर चलाऊंगी। बड़ा हॉटकेस लाया मैंने, ये ऐसे लाया खाना वाना बच जाता है ना, उसके लिए लाया। ये छुटकू सा हॉटकेस है, ये 3 वाले सेट होते हैं ना, उसके छोटे वाला बच्चा है, ये सबसे छोटे वाला। ये कौन है जिम्मेदार? ये तेरा भाई। ये जग इतना पुराना है, मतलब भाई फौजी के घर में इतने से इतना हो गया हूँ मैं अभी, बट ये जग तब से वैसे का वैसा ही है, पहले जो इसमें पानी पीते थे हम लोग। ये 4-5 जग ऐसे ऐसे फौजी के घर में, ये लाजमी है, मतलब होने ही है ये जग। और मेरे ससुराल में भी एक जग बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा होता है और आधा किलो होता है, ये आधा लीटर का नहीं होता, आधा किलो होता है, आधा लीटर से बहुत ज्यादा आता है इसमें। और ये बहुत हैवी होते हैं क्योंकि इन लोगों को मिलते ऐसे थे ना, फौज में रहने वालों को ऐसे मिलते थे, तो ये जग तो मैंने भी बचपन से यूज किया, मतलब अपने घर में भी, तो मैं ये जरूर लेके आई। ये है प्लेट्स, इनको उसमें रखिए। हाँ अच्छा, धोनी पड़ेगी उसके लिए भी, हम तो लाया स्पॉन्ज लेके आए, स्पॉन्ज तो लेके आए पर वही नहीं लेके आए। रखो रखो रखो, मुझे अच्छी लगती है ऐसी वाली थालियाँ। उधर को कर बेटे फेस, उधर को फेस कर इनका। हाँ ऐसे को, ये तो एक में आ जानी थाली। अच्छा है, चलो बच बच जाएगी जगह तो अच्छा है। स्टील स्टील ना अच्छा लगता है ना, स्टील की डोली, स्टील के बर्तन अच्छे लगते हैं मतलब। तो अब हम इनको रख देते हैं पहले फटाफट से ना, सारे बर्तनों को रख देते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये वाला हॉट केस भी मुझे मैक्स हॉस्पिटल से मिला है, ये भी तीन वाला पैक था, बड़ा छोटा और छोटा। तो ये मिला है मुझे दिवाली पे, जो मेरी लास्ट दिवाली थी वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में, क्योंकि उस टाइम पे हमें डॉक्टर गौतम ने दिए थे ये वाला हॉट केस, तो ये भी यादगार है। ये जब मैं प्रेगनेंट थी ना कोविड के टाइम पे, तो मैंने मतलब वो चंडीगढ़ में वहाँ लिया था, जब मैं मैक्स में होती थी ना हॉस्टल में, वहाँ पे लिया था, क्योंकि मैं इसमें जूस निकाल के पिया करती थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये पापा ने नीचे भर दिया, ये भी कहते वहीं पे यूज़ करते रहा इसको, इसको तो यूज नहीं है, इधर रख देते इसको। अभी डस्टबिन में बहुत सामान है, करवा चौथ करवा चौथ कर लो। ये है हैंड वॉश सबसे ज़रूरी चीज़ आज के दिन में, क्या पता अभी तो आ जाए। तो लिया है हमने कुकर हॉकिंग्स का, हाउकिंस का कुकर 3 लीटर का लिया है, हाउकिंस का, इंडक्शन फ्रेंडली है। तो अब इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, ये था 2300 का भाई रेट लिखा है इसमें, 2350 का, हमें पड़ा है ये 2150 में, है ना, 2150 का पड़ा है। तो ये अभी इसको जोड़ देगा यहाँ पे, गैस भी ब्लैक ही है, सब कुछ मैचिंग हो गया। ऑयल डिस्पेंसर बड़ा सेक्सी लिया है हमने, ये देखो कितना प्यारा है, हाँ सच्ची ध्रुवी का लंच बॉक्स भी लिया है, और उसकी वाटर बॉटल भी ली है हमने, और अच्छी है, क्यूट है, और लंच बॉक्स भी प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो ये रहेगा यहाँ पे, अभी तो ये कटलरी स्टोर लग रहा है किचन में, कटलरी स्टोर ज़्यादा लग रहा है। ये आया भाई जी ये लिए हैं हमने डब्बे, ये लिया है आटा रखने के लिए स्पेशली, और बाकी ये लिए हैं हमने ग्रोसरी के डब्बे, दाल वगैरह रखने के लिए, और चीनी चाय पत्ती के लिए अलग से लिए हैं, बाकी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स के लिए, मसाले के लिए। काश इसमें पिस्ता भर के देते, ये बादाम भर के देते, जो जो दिखाया वही भर के देते इसमें। ये ना 2 किलो वाले डब्बे हैं, बड़े बड़े से, मुझे ऐसे ही चाहिए थे बड़े बड़े से, ये मैंने काफ़ी सारे लिए हैं। ये है छोटे छोटे, ये मैंने मसाले के लिए लिया। ये है ध्रुवी का स्कूल बैग, इसमें बहुत सारी जिप है, लंच बॉक्स के लिए अलग, पेंसिल बॉक्स के लिए अलग, बहुत अच्छा है। और उसके लिए हमने टावल भी लिया है ध्रुवी के लिए, नए घर में नया टावल, घर का टावल घर में ही रखेंगे, वो नहीं लेके आएंगे। साथ में उसके लिए क्यूट सी चप्पल ली है हमने, क्योंकि उसको ऐसी चप्पल पहननी आती नहीं है, स्टेप वाली चप्पल ना उसको पहननी नहीं आती है, तो ये स्पेशली लिया उसको, ताकि उसको प्रैक्टिस हो सके। और ये पेंसिल बॉक्स लिया है हमने, और पेंसिल का एक पैकेट लिया है पूरा, कॉपी भी लेके रखी है, ये पेंसिल बॉक्स लेके रखा है। चलो देखो कब तक गुम करता है इन चीज़ों को। क्या चलने नहीं मिले पूरे बाजार में, तो हम ऐसे वाला लेके आ गए छल्ला, पॉप वाला। सो दिस इज द अलमारी, कुछ इस तरह से, अच्छी है ना, प्यारी है। ले दोनों रख दे। चलो जी शुभारंभ हो गया, श्री गणेश हो गया। ये है सुइयां, उइया उइया सुइयां सुइयां, 10 रुपए की सुइयां। जब तक ये इसमें रहेगी सेफ रहेगी, इससे बाहर निकल गई ना तो गुम हो जाएगी। ध्रुवीन का पहला पेंसिल, वो हम शॉप करते हुए ध्रुवीन का पहला पेंसिल जो है यहाँ पर शार्पनर के थ्रू जो है वो तेज किया जा रहा है,
और जो कि उसके राहुल चाचू के हाथों से हो रहा है। बस कर, वाह क्या बात है। चल उसकी नोटबुक में टूट जाएगी, उसके नाम नोटबुक पे उसका नाम लिख दे DHRUVIN ठाकुर ऑलमोस्ट सारा काम जो है हो गया हमारा, किचन में सेट हो गया। अब जो है नीचे हमने सारी गंद डाल रखी है उसको समेटना है, उसके बाद हम लोग फ्री करता हूँ कितनी गंद है। ये देखो ये देखो कितना सारा कूड़ा है, सारे प्लास्टिक ही प्लास्टिक निकले है, नीचे भी है। हाँ जी जनाब, तो किचन मैंने साफ कर लिया है, किचन से अंदर पूरा कूड़ा वगैरह उठा दिया है और झाड़ू मार के किचन बिल्कुल बंद कर दिया मैंने अभी फिलहाल। और इधर से बाहर से झाड़ू मार रही हूँ इस वाले रूम से। तो जो किचन के साथ वाला रूम है, हमने अलमारी ना इधर किचन के साथ में रखी थी बिल्कुल ऐसे, उधर से कमरे की एंट्री है, यहाँ पे अलमीरा रखी है और इधर किचन की एंट्री। तो इसको हम ना यहाँ से चेंज करने का सोच रहे क्योंकि राहुल ने भी यही बोला, क्योंकि ऊपर शेल्फ है, शेल्फ के नीचे इसका स्पेस जो है ना वो बिल्कुल से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि जगह ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ सामान नहीं रख सकते। तो इसने भी यही बोला और मैं भी यही सोच रही थी इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं ताकि इसका ये वाला पोर्शन भी हम यूज़ कर सके, इसके ऊपर सामान रख सके, कुछ भी सामान हो चाहे वो डेकोरेटिव पर्पज से हो बट आ सके इसके ऊपर। तो इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे शिफ्ट करने की सोच रहे हैं बेड के साथ में। ये रहा बेड, बेड के साथ में थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे और ये रहा वॉशरूम। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करने की सोच रहे ताकि इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो यूटिलाइज कर पाए हम। तो अब इसको मूव करेंगे और ये मूव करना ईजी है क्योंकि इसमें है व्हील्स, ये देखिए इसमें व्हील्स है तो ये आसानी से मूव हो जाती है इधर उधर। तो ये हमने अलमीरा शिफ्ट कर दिया इस साइड को, अब इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं हम, पूरा खुला है ऊपर चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें भी रख लें। हाँ जी जनाब, तो फाइनली 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 सफाई करके फ्री होगी और इधर से सारा कबाड़ कबूड़ भी उठा लिया और एक अच्छी गृहिणी की तरह, एक बिल्कुल पहाड़न गृहिणी की तरह मैंने सारे जो एक्स्ट्रा लिफाफे लिफाफे थे वो इसमें स्टोर कर दिया भर भर के, सारे पॉलीथीन इकट्ठे करके रख लिया इस लिफाफे में, ये पूरा पॉलीथीन से भरा हुआ है ये वाला। तो इसको रख दूंगी साइड में क्योंकि ये यूटिलाइज हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये अभी तक बैठा है अपने मजे ले रहा है, व्लॉग व्लू देख रहा है दूसरों के। तो ये रहा मेरा किचन कुछ इस तरह से अभी फिलहाल के लिए। और ध्रुवी की डैडी अभी आ रहे हैं तो यहाँ पे इंडक्शन और चूल्हा भी आ जाएगा, उसको हम अभी ही लगा देंगे, देखेंगे कि कितना स्पेस हमारा कवर कर रहा है वो इंडक्शन और चूल्हा। वेट करते हैं ध्रुवी की डैडी का, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपना इंडक्शन और चूल्हा। आप लोग बोलोगे क्या इरिटेट करके छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जा रही है, ये भी देखो वो भी देखो ये भी देखो वो भी देखो, यार होता है ना मुझे एक्साइटमेंट है भाई अपनी, तो आप लोग मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली के साथ अपनी एक्साइटमेंट शेयर तो करनी पड़ती है ना, तो इसलिए झेलो भुख तो मुझे अब। ये आ गया हमारा इंडक्शन और चूल्हा। चल राजा चल बेटे लगा के देखते हैं, चल 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 उठ उठ, अब नहीं सुस्ती, सारा काम हो गया बस यही रह गया, उठ उठ उठ, अब तो बस यही सो जाओ, आजकल सुबह चलते हैं घर, थक गया मेरा बेटा, चल चल उठ उठ उठ, बस लास्ट यही काम है। पांच हजार की बात कर रहे हो, कर दी ना छुट्टी, मुंह छुट्टी बात यार, कुछ बड़ा बोलो ना। अच्छा चलो ये ठीक है फिर, ये ठीक है, इसमें पाइप का ना इधर वाला है सीन, ये ठीक हो गया, मुझे लगा इधर से होगा, ठीक है अब इस साइड को कर देना चूल्हा, उस साइड को इंडक्शन कर दे, है ना, ये ठीक हो गया। बर्नर लगा दे इसमें, है निचली साइड वो स्टैंड वो खोल दो, मुझे जैसे इस पे बर्तन लगाओ ना, ये ठीक है, बाकी जो होते ना उस पे ऐसे ऐसे बर्तन नाचते हैं, टिल 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 करते हैं बर्तन, थोड़ा धक्का लगे गिर जाते हैं, मुझे वही डर था कि वैसा तो नहीं है कहीं है। पर नहीं ठीक है जनाब, तो ये आ गया हमारा इंडक्शन और चूल्हा, ये हमने लगा दिया है तो अब थोड़ा सा कंप्लीट लग रहा है किचन। अब हम जा रहे हैं, अब हमें लगी है जल्दी घर जाने की, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, टाटा बाय बाय, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, आपसे मिलेंगे फिर से न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और मेरी वीडियो को देखते रहें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं किया ना तो अभी कुछ नहीं होगा यार, क्या ही होगा, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, पर कर दो सब्सक्राइब प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, बाय बाय।